सुबह की बची हुई रोटी शाम को खाना कोई पसंद नहीं करता है, तो हम वो रोटी का खाखरा बना देते हैं या तो सीजर से कट करके इसकी कातरी फ्राई कर देते हैं। लेकिन घर में किसी को ये खाखरा और कातरी खाना पसंद नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निधि। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बची हुई रोटी में से बनने वाली सुपर टेस्टी डिलीशियस दो नए नाश्ते की रेसिपी। ये रेसिपी को देखने के बाद आप रोटी जानबूझकर ज़्यादा बनाओगे, क्योंकि ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि ये नाश्ते को देखकर कोई बोल ही नहीं पाएगा कि आपने ये बची हुई रोटी में से बनाया है। टेस्ट तो इसका लाजवाब है। तो चलो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने सुबह की बची हुई रोटी को लिया है और अभी हम लेंगे एक ग्लास को और इसके ऊपर हम इस तरह से रोटी को रख देंगे और इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना ली है। अभी हम एक धागा लेंगे और धागे की मदद से हम इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। आप पहली बार बनाओगे तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा कि ये प्लेट्स हम कैसे बनाएं और धागे को भी हम कैसे इस तरह से बांधें, लेकिन आप ट्राई करोगे तो बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया और इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे रोटी को रख दिया और इस तरह से हमें इसकी प्लेट्स बनानी है और इस तरह से हमें इसे पकड़ के रखना है और धागे की मदद से हमें इस तरह से इसे बांध देना है और इसे कटोरी का शेप दे देना है। ऑयल को यहाँ पे मैंने साइड में गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल भी यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है। ऑयल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमें हल्का हल्का ही गरम करना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। एक साथ हम दो ग्लास ही रखेंगे। ग्लास को हमें इस तरह से घुमाते जाना है और सभी तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। इसे फ्राई करते समय आपको खास ध्यान यही रखना है कि आपकी गैस की फ्लेम एकदम स्लो होनी चाहिए। आप अगर स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे तो इसी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन होगा। जो आपने गलती से इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर दिया तो ये डार्क हो जाएगा, एकदम ज़्यादा ही गोल्डन हो जाएगा और ये कटोरी खाने में बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने चार कटोरियों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही हम इसे ग्लास में से डीमोल्ड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही इजीली ये डीमोल्ड हो जाता है। अभी हम कटोरी के ऊपर जो धागा है इसे हम सीजर की मदद से कट कर देंगे और इसके ऊपर से धागे को हटा देंगे। इसी तरह से हम सभी कटोरियों के ऊपर से धागे को हटा लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 10 कटोरियों को बना के तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी लग रही है ये कटोरी। कोई कहेगा इसे देख के कि हमने इसे चपाती में से बनाया है। कटोरी के अंदर फिल करने वाला फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अभी इसके लिए यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, बारीक चॉप किए हुए हैं, और यह है स्वीट कॉर्न, इसे मैंने बॉईल करके तैयार किया है, और यह है शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, और यह है पनीर, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स को। आप जितना तीखा पसंद करते हो इसके हिसाब से आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स को डाल सकते हो। ब्लैक पेपर को डालेंगे 1/2 TSP जितना। अभी ओरेगानो डालूंगी मैं 1.5 चम्मच जितना। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे टोमेटो केचप को 4 से 5 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे, और मेयोनीज़ को डालेंगे 3 चम्मच जितना। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे घर पे अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके अंदर टोमेटो केचप और मेयोनीज़ को डालती हूँ। अभी हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम कटोरियों को ले लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 कटोरी ली है और इसके अंदर डालूँगी मेयोनीज़ को। अभी तीनों कटोरियों में हम टोमेटो केचप को डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना, और स्पून की मदद से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही सेम आपको स्प्रेड करना है। यहाँ पे मैंने तीनों कटोरियों के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अभी हम इसके अंदर फिलिंग को डालेंगे जो हमने तैयार किया है। 1 कटोरी के अंदर 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना आप इसके अंदर डाल दीजिए। अभी हम इसके ऊपर चीज़ को डालेंगे। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है और इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, और फिर हम इसके ऊपर अभी डाल देंगे। अगर आप प्रोसेस चीज़ नहीं डालना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हो।
चीज़ आपको जो पसंद है वो वाला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगानो स्प्रिंकल कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर एक एक ब्लैक ऑलिव्स को रख देंगे। वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है ये। जितना दिखने में अच्छा लगता है इतना ही ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब भी बनाओगे और खाओगे तब भी आपको पता चलेगा। अभी हम इसे बेक करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर एक रिंग रखी है और इसके अंदर मैंने एक स्टील की प्लेट रखी है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा कप को रख दिया है और एक पिज़्ज़ा कप के अंदर मैंने चीज़ स्लाइस को डाला है। जब तक ये चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे बेक करना है। यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा कप बेक होते हैं तब तक यहाँ पे हम कटोरी चाट बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने छोले चना लिए हैं, बॉईल किए हुए हैं। इसकी जगह पे आप लाल चना, मूंग, सफ़ेद मटर या कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो और नहीं भी है तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे बारीक चॉप की हुई ककुम्बर को डालेंगे और टोमेटो को डालेंगे। वेजेस यहाँ पे आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न को भी डाला है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी नमकीन बूंदी को। इसकी रेसिपी मैंने अभी अपलोड की है तो आप ये रेसिपी को देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। चाट के अंदर बूंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा चाट के अंदर डाल के, तो ही आपको पता चलेगा। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला और लाल मिर्च को स्प्रिंकल करेंगे और गुड़ इमली की चटनी को भी हम डालेंगे। अभी मैं इसके ऊपर मीठा दही डालूंगी। मेरे सारे जैन व्यूवर्स बोलेंगे कि निधि तूने कठोल के साथ दही तो मिला दिया तो ये द्विदड़ नहीं होगा क्या? तो स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि आप इसके अंदर दही को मिलाना चाहते हो तो आपको इसे कुकर के अंदर रख के 4 विसल लगाना है और इसके बाद इसे पूरी तरह से दही को ठंडा करना है और इसे ठंडा करने के बाद ही यूज़ करना है तो द्विदल का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे तीखी वाली चटनी को और बारीक सेव को डालेंगे। अगर आपके पास अनार के दाने हैं तो आप इस तरह से अनार के दाने भी डाल सकते हो। अभी मेरे पास है तो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और फ्रेश धनिया पत्ती को भी डाल देती हूँ। यहाँ पर हमारी चाट बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसे देख के कोई कहेगा कि हमने ये बची हुई रोटी में से चाट बनाई है। अभी हम जो पिज़्ज़ा कप को बेक करने के लिए रखा था इसे हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम गैस ऑफ कर लेते हैं और पिज़्ज़ा कप को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा कप बनके तैयार हो चुके हैं। सच में फ्रेंड्स, इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इसे खाओगे तब भी आपको पता चलेगा। सुपर टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा कप की रेसिपी शेयर की हुई है। वो हमने गेहूं के आटे से बनाई है और अपम प्लेट में बनाई है, वो भी टेस्ट में बढ़िया लगती है। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो, फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी दो और नई रेसिपी दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पर मैं आपसे फिर से मिलूँगी।